तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिक्सेस कैसे मारने हैं, अगर आप में पावर नहीं है तो आपको सिक्स कैसे मारने हैं, और पावर बढ़ाने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी बॉल को आपको टारगेट करना चाहिए सिक्स मारने के लिए। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप में पावर नहीं है तब भी आप सिक्स मारना चाहते हैं तो आपको किस तरीके की शॉट खेलना चाहिए, देखिए आपको जो सीधे बल्ले से शॉट खेलना चाहिए सबसे पहली चीज़, ठीक है, और बॉल की लाइन को पिक करते हुए शॉट मारनी चाहिए। जितने भी आप शॉट मारेंगे अगर सीधे बल्ले से, आपको सिक्स मारने के लिए क्या करना होगा, बॉल की लाइन को पिक करते हुए शॉट खेलना पड़ेगा। वो कैसे, अब देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर बॉल इस तरीके से आपके पास टिप्पा खा के आ रही है तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, उस बॉल को एक एलिवेशन देते हुए शॉट खेल देना चाहिए। अब वो कैसे, देखिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सीधे बैट से खेलना है जैसे कि मैंने आपको बताया, और क्या करना है आपको सीधे बैट से खेलते हुए इस तरीके से बॉल को आपका बैट फ्लो हाई रखना है। हाई रखना है तो हाई के टाइम क्या होगा दोस्तों, आप बैट फ्लो जो रहता है आपका सीधा मत रखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा आड़ा करके रखिए, नहीं तो फिर वो बॉल कैच चली जाएगी हवा में खड़ी होते, आपने देखी होगी बहुत बार, तो कैच आउट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको कौन सी बॉलों पे शॉट मारना चाहिए, देखिए सबसे पहली चीज़, अगर फुल टॉस बॉल आती है तो आप उसको दो तरीके से हिट कर सकते हैं। एक तो आप अगर उसको सीधे बल्ले से मार देंगे, अगर आप में पावर है तो आप उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचा देंगे, अगर आप फुल टॉस बॉल को सीधे बैट से खेलते हैं। फिर फुल टॉस बॉल को आप, दूसरा तरीका क्या है, बैक फुट पे जाके आप क्रॉस बैट से खेल सकते हैं, या फिर इधर आप रूम बना के थोड़ा इनसाइड आउट खेल सकते हैं, तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं फुल टॉस बॉल को। और दोस्तों अब देखिए, आपको शॉर्ट पिच बॉल को कैसे खेलना है, शॉर्ट पिच बॉल को क्या करना है, आपको सिंपली आप उसको पुल या हुक करते हुए शॉट मार सकते हैं। उस पर आपको सिक्स कैसे मारना है शॉर्ट पिच बॉल पे, आपको सिंपली क्या करना होगा, जब भी आपका पुल या हुक शॉट जो भी आप खेलते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो आपका बैट फ्लो है वो हाई रखना होगा, और जो आपका बैट का जो फेस है वो ऊपर की तरफ एंड करना है उसको, ना कि ऐसे क्लोज नहीं करना है आपको, सिंपली उसको बस हवा की तरफ ऐसे एंड करना है। और अब देखिए दोस्तों, जो बॉल लेंथ बॉल रहती है टिप्पा खा के आती है, अब आप उसको कई तरीके से शॉट खेल सकते हैं, मतलब उस पर क्या कर सकते हैं, आप लेंथ बॉल तो हिट करने वाली रहती है, आप उस पर फ्लिक कर सकते हैं, आप उस पर चाहे तो इनसाइड आउट मार सकते हैं, कोई सा भी शॉट आपको जो मनपसंद आए वो खेल सकते हैं, या थोड़ा सा रूम बना के आप उसको घसीट के मार सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से उस बॉल को खेल सकते हैं। तो इन बॉलों को आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सी बॉल, एक होगी लेंथ बॉल, फुल टॉस बॉल को भी आप टारगेट कर सकते हैं, और तीसरी है हमारी शॉर्ट पिच बॉल। अब शॉर्ट पिच बॉल कैसे, आपको कैच आउट का ध्यान रखते हुए बॉल खेलनी है, कई बार बॉलर इस हिसाब से डालता है कि बैट्समैन को आउट कराने के लिए, कई बार बॉलर शॉर्ट पिच बॉल डालता है ताकि शॉट खेलने जाए और आउट हो जाए, तो आपको फील्डर का ध्यान देते हुए ये शॉट खेलना है। और अब देखिए दोस्तों, जो तीसरी प्रैक्टिस है हमारी पावर बढ़ाने के लिए, तो पावर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जो बॉल है आपकी उससे हाई कैचेस आपको खेलने पड़ेंगे, मीन्स आपको क्या, आपको थ्रो नहीं फेंकना है, दूर नहीं फेंकनी है आपको बॉल, आपको बॉल हवा में फेंकनी है, आप जितनी ताकत है आप उतनी फेंक सकते, जितनी आप में ताकत है उतनी ताकत से आप फेंकिए, मगर ऐसा भी नहीं है कि आपने इतनी ज़ोर से फेंक दी कि आपका हाथ वाथ लचक जाए, ऐसा भी मत कीजिए, आप आपकी मतलब जितना आप नॉर्मली करते हैं उस हिसाब से आप बॉल को फेंकते रहिए। पहले दिन थोड़ा कंधे में दर्द होगा मगर धीरे धीरे आपको थोड़ी इसकी आदत पड़ जाएगी और आप देखेंगे कि आपके शोल्डर में पावर इंप्रूव हुई है, और फिर डेफिनेटली दोस्तों आपकी हिटिंग पावर बढ़ जाएगी 100% इफेक्ट, 100% आपकी पावर बढ़ जाएगी अगर आप इस तरीके से बॉल हवा में फेंकते रहे, तो इससे क्या होगा आपकी शोल्डर पावर बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, पावर हिटिंग में एक और चीज़ क्या रहती है, आपकी कलाइयाँ भी मजबूत रहनी चाहिए। कलाइयाँ आपको कैसे मजबूत करनी है, बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें ऐसा बताया है कि आप स्टंप को लेके उसमें बॉटल बांध के उसको आप इस तरीके से रोल करते रहिए, तो उससे आपकी हाँ कलाइयाँ तो मजबूत होंगी, मगर जहाँ तक मैंने वो प्रैक्टिस ट्राई की तो थोड़ा आप 10 मिनट करके उसके बाद आप बोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी चीज़ बताता हूँ आपको, अब आपको करना है ना करना आपकी मर्ज़ी। देखिए जो मैं चीज़ करता हूँ कलाइयाँ मजबूत करने के लिए, वो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली बैट को इस तरीके से घुमाता हूँ, तो इससे क्या होता है मेरी कलाइयाँ जो है वो मजबूत होती है, क्योंकि क्या बैट का रोटेशन भी तेज़ होता है, मेरा जो बैट स्विंग है मेरा वो भी तेज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली सिक्स मारने की ताकत आएगी और आपकी कलाइयाँ भी मजबूत होगी। स्टार्टिंग में दोस्तों आप थोड़ा धीरे धीरे घुमाइए, फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाए आप इसको तेज़ घुमाते रहिए, इससे क्या होगा आपकी कलाइयाँ डेफिनेटली मजबूत होंगी। और अब देखिए दोस्तों, इसमें एक और चीज़ क्या रहती है, बैट स्विंग, आपका बैट स्विंग भी बहुत तेज़ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, बैट स्विंग तेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपली शेडो प्रैक्टिस कीजिए उस तरीके से, तो आप सिंपली इसको बस बॉल को ऐसे मतलब इमेजिन कीजिए कि बॉल आ रही है और अपना बैट इस तरीके से घुमाइए, तो इससे क्या होगा आपकी बैट स्विंग तेज़ हो जाएगी, तो इससे आप बॉल को ज़्यादा तेज़ी से मार पाएंगे, तो उससे ज़्यादा बड़े शॉट जाते हैं। भले ही आप में पावर नहीं है मगर अगर आपका बैट स्विंग तेज़ है तो आप अच्छे शॉट्स लगा पाएंगे। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ 5 फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिक्स लगाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको आपकी ग्रिप अच्छे से बैट की पकड़नी पड़ेगी,
और बैट को जब भी आपको सिक्स मारने के लिए जाना है तो आप क्या कीजिए, बैट को आप या डंडे के एकदम ऊपर पकड़ लीजिए या एकदम नीचे, जैसे आपको सूट करे। तो इससे क्या होगा, आपके जो बैट स्विंग है वो तेज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप अच्छे से शॉट खेल सकते हैं। और अब दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, आपको आपका बैक लिफ्ट हाई रखना है जब भी आप शॉट खेलने जाए, एकदम भी हाई नहीं इस तरीके से, मतलब थोड़ा आप इतना तो रखिए, ठीक है, इस टाइप का बैक लिफ्ट रखिए जब भी आपको सिक्स मारने जाना है। आपके पैरों का मूवमेंट दोस्तों, आपको आपके पैर, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप खड़े खड़े सिक्स मार देंगे, आप में अगर इनबॉर्न टैलेंट है तो बात अलग है, मगर हर एक जन तो ये सहवाग रहते नहीं है कि खड़े खड़े सिक्स मार दे, तो ये चीज़ सबकी अलग अलग रहती है। और अब देखिए एक चौथी चीज़ जो कि एक एक्सरसाइज में आपको एक बताता हूँ, उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भारी बैट से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े भारी बैट से, ठीक है, और जब आप मैच खेलने जाते हैं तो आप थोड़े हल्के बैट से खेलिए। तो उससे क्या होगा, मैच के टाइम में आपको आपका बैट हल्का लगेगा क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी उससे ज़्यादा भारी वाला बैट यूज़ किया, तो मैच के टाइम पर आपको आपका बैट हल्का लगेगा, और जब हल्का लगेगा तो आपका ऑटोमेटिकली बैट स्विंग जो है वो तेज़ हो जाएगा। और पांचवी और बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ दोस्तों, जब भी आप सिक्स मारने जाए तो आपको क्या करना है, आपको आपकी नज़रें बॉल पर लास्ट टाइम तक गड़ी रहनी चाहिए, मतलब जब तक बॉल बैट से कनेक्ट नहीं होती तब तक आपको बॉल को देखते रहना है, ठीक है, तब तक आपकी नज़रें बॉल पर गड़ाए रखिए, तभी आप अच्छे से सिक्स मार पाएंगे। उससे क्या होगा, अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे बॉल पर तो आप मिडल कर पाएंगे अच्छे से, तो आपको सिक्स मारने में आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी ट्रिक सीख पाएँ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।